कर लेती हूँ। मेकअप मैं आजकल वैसे कुछ नहीं करती क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और उस वजह से बहुत स्वेटिंग होती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज श्रावण का पहला सोमवार है तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी प्रकाश घर नहीं आए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सूट पहन लूँ और जब तक वो आते हैं तब तक मैं रेडी होकर रहूँ और फिर उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है, क्योंकि मैं हमेशा घर पर ऐसी रहती हूँ और मैं हमेशा ऐसी दिखती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि तैयार हो जाऊँ। उनका आने का वैसे टाइम हो ही गया है तो उससे पहले मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और आज देखो बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर मेरी खिड़की से व्यू। तो चलो शुरू करते हैं। मैं निकाल लेती हूँ सूट, मेरा सुंदर सा सूट। और यार दीवार का मैं सोच रही हूँ कुछ। तो गाइज आज मैं पहनने वाली हूँ अपना ये वाला सूट। तो ये मैंने अभी तक पहना नहीं है। मैंने बहुत टाइम बाद एक सूट मंगवाया है, मैंने मिंत्रा से ही मंगवाया है। ये इंडो एरा करके उसमें एक ब्रांड है, उससे मंगवाया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है। तोड़ देते हैं, चलो मैं पहले इसे पहन लेती हूँ। इसमें प्रेस नहीं है बट कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। और ये इसका बॉटम है, इसमें भी ऐसे कुछ वर्क है, काफ़ी सुंदर सा है। सर कपड़ा भी पता नहीं कौन सा कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है बट ऐसे कुछ लाइनिंग वाला बहुत अच्छा है। चलो मैं इसे पहन लेती हूँ। इसके स्लीव्स भी कुछ तो प्यारे हैं और इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल सा। और जय हो प्रहण। विंडो खोल लेते हैं क्योंकि विंडो से बहुत अच्छा व्यू है। मेकअप भी कर लूंगी ना मैं तो फिर मुझे अच्छे से दिख जाएगा। पर यार कैमरे में अच्छी लाइट नहीं आ रही तो शायद मुझे ना बंद कर देना, वाइट कैमरे के लिए बंद ही करना पड़ेगा। मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप मैं आजकल वैसे कुछ नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और उस वजह से बहुत स्वेटिंग होती है। और अभी मैंने किचन में जाके खाना भी बनाना है क्योंकि वो तो मैंने करना ही है। तो बस थोड़ा सा मैं मांग चूड़ी वूड़ी पहन लेती हूँ। और मेरे पास अभी ग्रीन चूड़ियाँ भी नहीं है क्योंकि मैं अभी मार्केट ही नहीं गई, तो मेहंदी भी नहीं लगाई हूँ मैंने और ग्रीन चूड़ी भी नहीं है। बट मैं जाऊँगी तो उस दिन आप लोगों को भी लेके चलूँगी अपने साथ। मैंने सोचा था मैं किसी मतलब स्पेशल फंक्शन पे या कुछ हो जिस दिन, उस दिन पहनूंगी इसे। बट फिर मैं सोचती हूँ मैं कहीं जाती तो हूँ नहीं, घर पे ही रहती हूँ और हमेशा मैं अपने आप को कच्चे और टी शर्ट में देख देख के बोर हो चुकी हूँ, तो क्या स्पेशल दिन का इंतजार करना है। गाइस इतनी गर्मी हो रही है ना, मैंने पंखा भी बंद कर रखा है। तो फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाएंगी क्योंकि ठीक है घर पे ही हूँ मैं। बस थोड़ा सा आईब्रोज कर लेते हैं क्योंकि मेरी आईब्रोज इसके साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो मैं खुद ही इसको इसके साथ कुछ अच्छा कर लूँ। मैंने आईब्रोज भी नहीं बनवा रखी हैं और मैं अभी बनवाऊंगी भी नहीं क्योंकि बहुत खराब हो रखी हैं ये, तो जब तक खूब सारी नहीं आई। बिंदी लगा लेती हूँ जो कि 5 मिनट भी नहीं टिकेगी। आजकल मैं ये लिक्विड वाली भरती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है ना तो फैल जाती है वरना। मेरे पास देखो कितने प्यारे गोल्ड के ऐसे बैंगल्स हैं आर्टिफिशियल क्योंकि ग्रीन चूड़ियाँ नहीं है और बट ये बहुत ऐसे बहुत ट्रेंडी से हैं आजकल। कांच के हैं बट ये है ना, मेटल के नहीं है। और इसे हम इंडियन वेस्टर्न किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। तो आज मैं इसको इसके साथ ट्राई कर रही हूँ। क्या नहीं है कह रही थी यार, ये नायका में ना ये शेड है 02 विविड विक्टरी, तो नायका में ये आउट ऑफ स्टॉक है और वहाँ पे ये सिंगल मिल रहे हैं, पर मुझे पूरा पैलेट चाहिए क्योंकि फिर एक से काम चल जाता है और ये मेरे को बहुत पसंद है तो मैं यही लूँगी। और शुगर की साइट पे भी देखा था मैंने, बट वहाँ से मुझे थोड़ा सा भी ऑफ नहीं पड़ रहा था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो जब मुझे वहाँ पे या कहीं पर भी ऑफ पड़ेगा तो लूंगी मैं। वाली कितने अच्छे लग रहे हैं चमचे।
खाना भी नहीं मिला। आ गई, तुम ही हो ना? एक मिनट हाँ, प्राण जाओ, डैडी आ गए। प्राण जाओ, गेट खोलो पापा के लिए। नहीं, अरे लिपस्टिक ना बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छी है, तो मैं ज्यादा नहीं लगाती हूँ, हाथ से कर लेती हूँ ऐसे। आई आई, कुछ नहीं कर रही, बस आ रही हूँ। मेरे को पता था तुम बोलोगे खाना बहुत बनाना। तुम सुबह उठते ही डैडी डैडी कर रहा था। तो गाइस ये है मेरा फुल सूट, और कैसा है जरूर बताना। सीक्सा थोड़ा गंदा हो रखा है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है। गाइस पति की तारीफ तो आपने सुन ली होगी, बहुत सुंदर लग रही हो, पर खाना बनाया है तुमने? लो, क्योंकि लो ना, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती से मेरा पेट नहीं भरेगा, तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ गाइस, मेरे बेटे को लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, और ये ना मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखा इसका। ठीक है मम्मा कहीं नहीं जा रही, मामू खाना बना रही, कहाँ जाएगी मम्मा तुम्हें छोड़ के? अब तो डैडी के पास चली जा मेरी जान, मैं खाना बना लूँ, यहाँ बैठ जा। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे कहाँ सुंदर लग रहा है सच्ची में? तो बना लो खाना, लो डाल डालो, दूध से डालो, डालो जल्दी डालो डालो। चलो ले जाओ उसको, अब वो लगेगा छोंक। अरे क्या कर रहे हो यार, मैंने बोला था ना बिंदी निकल जाएगी। खाना मैंने बना लिया है, दाल चावल और आलू की सब्जी, एंड प्रकाश का रिएक्शन भी आप लोगों ने देख ही लिया। तो फिर अब जब ड्रेस पहना ही है तो मैं अपने थोड़ा फोटोज और वीडियोस बना लेती हूँ, आप लोग वो एंजॉय करिए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।